मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, ठीक है? मैं कर ही नहीं सकता। पता नहीं आप लोग क्यों ढूंढ रहे थे मुझे, क्यों बुलाया मुझे यहां पे। अरे मुझ में है ही नहीं वो यार, स्टारी में चाहिए स्टारी में, कहां से लाऊं स्टारी में? हाँ मैं सिर्फ एक एक्टर बनना चाहता हूं, समझते हैं आप कौन होता है, क्या है क्या उनमें? हाँ जिम में जाके बॉडी बना ली, अच्छी शक्ल सूरत पाली, बन गए एक्टर। देखते हैं ना आप टीवी पर, बाप अगर एक्टर है तो बेटा भी एक्टर ही बनेगा, फिर चाहे घंटा डायलॉग बोलना ना आता हो। अरे जाके कहिए उनसे कि पहले एक्टिंग टेक्निक सीखे, अपने अंदर इनर सेल्फ से अपनी एक्टिंग को ओवरलोड करके देखे, थिएटर करके देखे, 10-10 घंटे स्पीच एक्सरसाइज करके देखे, 5-5 पेजों की स्क्रिप्ट ऑडियंस के सामने कॉन्टिन्यूअसली इनेक्ट करके देखे, पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर ऑडिशन की लाइन में लग करके देखे, और जब आपका नंबर है तो ये सुन ले आज आप लेट होगा, अगले दिन आ जाए, अगले दिन फिर आप उसी ऑडिशन की लाइन में लग करके फट के हाथ में आ जाएगी। ये सब समझते हैं आपके स्टार्स, समझते हैं? समझते हैं। पता है सर, जब मैं मुंबई आ रहा था ना, तो मेरी मां ने मुझे खूब समझाया कि बेटा ये जो एक्टिंग का भूत तेरे सर पे सवार हुआ है ना, इसे उतार दे, इससे बढ़िया कोई 10-15 हजार में कॉल सेंटर में नौकरी कर ले, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। लेकिन नहीं सर, मेरे सर पर तो एक्टिंग का भूत सवार था ना, सोचा था मुंबई जाऊंगा, बड़े बड़े कलाकारों के साथ एक्टिंग करूंगा, लेकिन यहां कर सर हवा टाइट हो गई मेरी, यहां कोई एक्टिंग की बात ही नहीं करता है सर, बात करते तो सिर्फ स्टार इमेज की, यहां कोई मॉड्यूलेशन की, वेरिएशन की, एक्सपीरियंस की बात ही नहीं करता है सर। मैं जब अपने सपनों का पीछा करते हुए मैं मुंबई आ रहा था ना, तो ट्रेन के पीछे भागते हुए मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, ए विवेक मुंबई जा रहा है, हमें भूल मत जाना। इस बार थक हार कर जब मैं अपने शहर उदयपुर गया, तो मेरे दोस्त मुझे भूल चुके थे, चिढ़ाने के लिए दूर से चिल्लाते थे, ए विवेक बन गया हीरो, बन गया जेंटलमैन। घर वाले सर आज भी सवाल पूछते हैं, समंदर में अभी भी लहरें बाकी है, ये सब ठंडा हो गया, ये सब समझते हैं आपके स्टार्स? कोई कुछ नहीं समझता सर। अब जाऊंगा, एक और ऑडिशन दूंगा, चलता हूं सर।